जय श्री राम, जय सन्यासी बाबा की, जय बागेश्वर धाम सरकार की। बागेश्वर धाम पंडित दीनेंद्र शास्त्री गुरुदेव के पावन दिव्य दर्शन हो रहे हैं। आस्था पे भी इनकी कथाएं आ रही है और सभी इस महाकथा का आनंद ले रहे हैं। हनुमत कथा, जी हाँ, जो हमारे बजरंग बली को है केवल राम नाम प्यारा और हम सब प्रिय भक्तों को है हनुमत नाम प्यारा। और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ऐसी कोई गली नहीं मेरे बालाजी की जहाँ चली नहीं, और जो सनातन का नहीं वो किसी धर्म किसी कार्य का नहीं। और देख रहे हैं जो बागेश्वर धाम सरकार हैं, व्यास गद्दी से ललकार कर सभी को बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र जब तक बना नहीं देंगे जब तक शांति से नहीं बैठेंगे। मीडिया वालों को, ट्रोल करने वालों को ललकार कर बोलते हैं, मीडिया वालों तुम चाहे कितना हमें उड़ा लो, चाहे कितना हमें नीचा दिखा लो, हम कभी नहीं सुधरेंगे। सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलाएंगे, हिंदू राष्ट्र जब तक बना नहीं देते जब तक चैन से रह नहीं पाएंगे। बागेश्वर धाम दीनेंद्र शास्त्री पंडित जी बहुत कट्टर हिंदू सनातनी हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी हुए, ये भी बहुत कट्टर सनातनी हैं। अगर इनसे कोई पंगा लेता है तो अपनी ठटरी भरवा लेता है। बहुत सारे पत्रकार आए इनकी पोले खोलने के लिए, देशों में भी अन्य विदेशों में भी जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी उंगलियां, बहुत सारे सवाल किए जाते हैं और सभी एक से नहीं होते। करोड़ों भक्तों का प्यार होता है तो लाखों का नफरत होती है, पर लेकिन उनको सभी को उत्तर देते हैं गुरुदेव। कुछ मोमदन लोग चिढ़ते हैं तो कुछ इतने अच्छे मोमदन लोग हैं जो गुरुदेव को फॉलो और सपोर्ट और प्रेम करते हैं। जहाँ भी गुरुदेव जाते हैं भक्त बावरे हो जाते हैं, पागलपन इस प्रकार चढ़ जाता है कि गुरुदेव के दर्शन के लिए धक्का मुक्की में भीड़ में सब सहन करते हैं, पेड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। जो आप दर्शन हो रहे हैं पेड़ों पर के इस प्रकार चढ़े पड़े हैं, गुरुदेव भी बड़ा आनंद लेते हैं, माइक से बोलते हैं, ठरी के भरो अगर चोट पाट लग गई तो हमारा का एक न्यूज़ बन जाएगी, सभी को हंसा देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार जो साधारण वेश में रहते हैं, मामूली व्यक्ति की तरह रहते हैं, लेकिन इन पर बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, बालाजी की शक्तियाँ, सन्यासी बाबा की आशीर्वाद और उनकी सिद्धियाँ हैं। ऐसी सिद्धियाँ जो प्रेतवादा वालों को भी खींच लेती हैं, प्रेतवादा को भी खींच लेती हैं शक्तियाँ, और उनके चिमटे की सेनापति की सेनापति मार लगाती है चिमटे की, बहुत विकट रोने लग जाते हैं, रोंटे खड़े हो जाते हैं जब भी उनको मार पड़ती है, जिससे कि बागेश्वर धाम का दर्शन साक्षात बजरंग बली की तरह होता है। चरणों में भी पादुका ऐसी पहनते हैं जैसे कि बालाजी के साक्षात उनके चरण हों। अगर बागेश्वर धाम सरकार को आप चाहते हो, सच्चे हृदय से उनको फॉलो करते हो, तो कमेंट ज़रूर करें। और बागेश्वर धाम सरकार के अगर तुम कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हो तो कहीं भी कथा चले तो आप जा सकते हो, पूछ सकते हो, धाम पे भी जा सकते हो। मध्य प्रदेश गड़ग गांव बागेश्वर धाम, वहाँ मेहंदीपुर की भीड़ बिल्कुल बागेश्वर धाम में पहुँच चुकी है, क्योंकि वहाँ भी हनुमान जी और वहाँ भी हनुमान जी। इस प्रकार सन्यासी बाबा के भी दर्शन हो जाएंगे, जो उन्होंने तप तपस्या कर जो सिद्धियाँ प्राप्त की, आज उनके वंश का नाम श्री दीनेंद्र शास्त्री गुरुदेव चला रहे हैं, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ और ऐसी सिद्धियाँ हैं गुरुदेव पर, जो हर कोई भी पंगा लेता है तो हार जाता है। और इतना ही नहीं, बहुत उनमें सरलता भी है, गौ माताओं से बहुत प्रेम है, जो अनाथ होते हैं उन भक्तों का सहारा बनते हैं गुरुदेव, कन्याओं का जो माता पिता नहीं होते अनाथ होती हैं उनका विवाह संपन्न कराते हैं पूरे दान दहेज के साथ रस्मों के साथ, और भाई पिता का फर्ज दर्जा निभाते हैं। बागेश्वर धाम सरकार के जो जितने चर्चे सुने हैं वो वास्तव में रियल हैं, कोई फेक वीडियो नहीं है। बहुत से फेक वीडियो बना देते हैं, ट्रोल करते हैं कमेंट में, यहाँ तक कि उनकी नई नई शादियाँ भी करा देते हैं, लड़कियाँ रोज़ चेंज कर देते हैं। गुरुदेव को पता चलता है, गुरुदेव को थोड़ा हल्का सा अंदर दुख होता है लेकिन हंसी भी आती है,
कहते हैं चलो लड़के तो एक रहने तो लड़कियां भी चेंज हो जाती हैं, पर लेकिन तभी तो बोलते हैं मीडिया वालों कितना भी तुम जोर लगा लो हम जैसी हैं ऐसी ही रहेंगे। पॉल खुद खुलने आते हैं लेकिन खुलवा के जाते हैं। बालाजी की कृपा इस प्रकार है कि उल्टा बाजी पलट जाती है। बागेश्वर धाम सरकार के मोमदन लोग भी इतने परम चाहने वाले हैं कि हर कोई हैरान हो जाता है ये देखकर कि इस प्रकार इतनी कम समय में इन्होंने इस प्रकार नाम कमाया, इस प्रकार तरक्की की कि हर कोई देश में विदेशों में हर कोई जानता है इनको। कथा करते हैं जब कम से कम 5-6-7 पंडालों की व्यवस्था करनी पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बहुत ज़्यादा भक्तों की बढ़ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा पंडाल लगते हैं, 6-7 पंडाल तो लगते ही हैं, और जिसके जैसा बजट है वैसी व्यवस्था की जाती है कथा की। उनकी कथा का चार्ज भी बहुत ज़्यादा होता है और ये अपने क्षेत्र में करते करते हैं, लेकिन ये अन्य विदेशों में भी जाते हैं कथा करने, धाम पर भी कथा करते हैं। जब अपना फ्री होते हैं, अपना टाइम समय होता है, धाम पर कथा करते हैं। भक्त तो वहाँ पर जिस श्रद्धा से जाते हैं बहुत भाग्यशाली मानते हैं जब भी इनका दर्शन हो जाता है, क्योंकि धाम पर ज़्यादा नहीं रह पाते। अगर गुरुदेव को आप मानते हो चाहते हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दो, कमेंट बॉक्स में बताना कि गुरुदेव विदेशों में भी जाकर कुछ वर्ताव आता है नहीं, क्योंकि जैसे रूप में रह वो धाम पर रहते हैं वैसे ही रहते हैं, फिर भी उनकी मुस्कुराहट पे उनके चेहरे पर हर कोई फिदा हो जाता है। उनकी मुस्कुराहट, उनका मस्तक पर चंदन लगाना, वस्त्र पहनना और चरणों में चांदी के छल्ले पहनना सबसे हटकर है। ऐसा दिव्य दर्शन परम सौभाग्यशाली से होता है। अगर आप भी बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ना चाहते हो तो पहले उनकी कथा जीवन में उतारें, और हम उनकी नहीं सिर्फ कहीं भी आपको जो गुरु प्रिय हो उनकी कथा सुने, सच्चे हृदय से जीवन में उतारें, तब जाके अपने आगे बढ़ें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय सन्यासी बाबा।